नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल राजधानी सहित मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर में जो सर्कुलेशन बना था वह आज भी बना हुआ है और वह थोड़ा राजस्थान और यूपी के सराउंडिंग ऊपर की ओर गया है। यहीं से एक ट्रैक लाइन जो है जो साउथ छत्तीसगढ़ से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पास हो रही है, जिसके चलते अगले 24 घंटे के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि इसके बाद बारिश की एक्टिविटी कम होगी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुरैना में 8 सेंटीमीटर, सागर में 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वह ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। टीकमगढ़, निवाड़ी में भी तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आने वाले 2 से 3 दिन बारिश की गतिविधियां कम होगी, लेकिन फिर से एक और मॉनसूनी सिस्टम होने के बाद 14 सितंबर से फिर मॉनसून सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। एमपी के ऊपर में एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अप टू 7.6 किलोमीटर हाइट तक था, आज वो वहीं पर बना हुआ है और वो थोड़ा सा राजस्थान और यूपी के सराउंडिंग थोड़ा सा ऊपर की ओर गया है और यहीं से एक जो ट्रफ लाइन है वो साउथ छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पास हो रही है। और जो दूसरा मानसून ट्रफ है वो जैसलमेर, कोटा, गुना पेंड्रा रोड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पास हो रही है। तो इसी के कारण ये एक्टिविटी अभी भी आज तक और रहने की संभावना है। कल से स्थिति में थोड़ी सी सुधार देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों में देखेंगे तो प्रदेश के मुरैना में 8 सेंटीमीटर, श्योपुर में 8, बालाघाट में 9, सागर में 7 सेंटीमीटर, टीकमगढ़ में 8 सेंटीमीटर। तो बारिश की एक्टिविटी थोड़ा सा जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर अभी भी हो रही है। 4 से 5 जगह हैवी रेनफॉल रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। तो ये स्थिति अभी आज अगले 24 घंटों के लिए ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ जो सागर संभाग का जो ऊपरी हिस्सा है जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी ये जो जिले आते हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और कहीं एक दो जगह भारी बारिश होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। भोपाल में देखेंगे तो बादल छाए रहेंगे दिन भर और हल्के से मध्यम स्तर की बारिश दिन में होने की संभावना है। आने वाले 2 से 3 दिन थोड़ी सी बारिश की एक्टिविटी कम हो जाएगी 12-13-14 तक। इसके बाद फिर से एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन 12 सितंबर को जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है इसके प्रभाव से 15 तारीख से एक बार फिर से बारिश की एक्टिविटी अगले 4 से 5 दिनों के लिए दिखाई दे सकती है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।